आज जो ये पीसी बिल्ड होने जा रहा है अंडर 28,000 में, ये कंप्लीट एल्बम डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग सीपीयू है। इसमें इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर यूज किया गया है, 16 GB का रैम यूज किया गया है, साथ ही साथ इसमें गैलेक्सी का रेवोल्यूशन 5 मॉडल का कैबिनेट और 256 GB SSD एंड 2 TB का सीगेट का 7200 RPM का हार्ड डिस्क। सो कौन सा पार्ट्स को यूज करके ये पूरी पीसी असेंबली हो रहा है वो देखने के लिए वीडियो को स्किप मत करके पूरी वीडियो गौर से देखिए, और चैनल पे न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें। सो हेलो गाइस, मैं विश्वजीत पात्रा एंड यू आर वाचिंग स्टूडियो लाइन इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर फिर से हम लोग एक एल्बम डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग सीपीयू बिल्ड करेंगे, और इस पीसी का जो कॉस्ट है 28,400 रुपीज। और इस पीसी का जो ऑर्डर आया है ओडिशा से, बालंगिरी डिस्ट्रिक्ट से, और जिन्होंने इस पीसी का ऑर्डर दिया उनका नाम है गजानन जी, और ये पीसी हम लोग कुरियर के थ्रू उनको भेजने वाले हैं, और उनके तरफ से एक एडवांस अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ साथ इस पीसी का जो कुरियर होने के बाद ट्रैकिंग आईडी वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कौन सा पीसी बन रहा है। ये जो 28,400 में हम लोग जो बना रहे हैं, इंटेल कोर i5 6400 प्रोसेसर, 16 GB का रैम, 256 GB SSD, 2 TB का हार्ड डिस्क और GT740 का 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड, ये सब कुछ इस पीसी में इनबिल्ट है। ये पीसी 17,800 में भी बन सकता था, बट कस्टमर ने बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ में ऐड करके इसकी प्राइस जो है थोड़ा बढ़ गया। अगर कस्टमर को इतने सारे प्रोडक्ट नहीं लगते, मतलब हार्ड डिस्क वाला नहीं लगता या ग्राफिक्स का नहीं लगता, तो ये पीसी 17,800 में भी बन सकता था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, कभी भी कोई भी पीसी का एक्यूरेट प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कंफर्म करते हैं कौन से पार्ट्स लग रहे हैं और कौन से पार्ट्स इसमें आपको ऐड करना है, उसके बाद ही एक्यूरेट प्राइस जो है निकल के आती है। और गजानन जी की तरह अगर आप भी घर बैठे अपने दुकान या फोटोग्राफी पर्पस कोई भी पीसी बनाना चाहते हैं, शो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से या डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर से स्टूडियो लाइन इंडिया के टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, अगर आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट पीसी बनाना हो। सो वीडियो को स्किप मत करके पूरी वीडियो आपको गौर से देखना है। सो पहले बात करते हैं कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। प्रोसेसर की अगर बात किया जाए, यहाँ पे इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर यूज किया गया है, और ये 6400 सीरीज का है, मतलब 6th generation का। पहले ही हम लोग यहाँ पे वीडियो में इसकी पैकेट जो है कट करेंगे सील को, और यहाँ से प्रोसेसर को निकाल लेंगे। पहले प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में बाकी चीज़ों में हम बात करेंगे। सो प्रोसेसर यहाँ पे इंटेल कोर i5, यहाँ पे मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, और ये हम लोगों की फ़ैन है, इसी फैन को यूज होगा इसी बिल्ड पे। और यहाँ से मैं पहले तो फैन और फैन को निकाल के, ये फैन है, हम लोग यहाँ को साइड में रखते हैं और यहाँ से प्रोसेसर को निकाल लेते हैं। सो ये है हम लोग की प्रोसेसर, इसको साइड में रखते हैं। अभी बात कर लेते हैं और कौन सा पार्ट्स इसमें यूज किया गया है। पहली जो हम लोग की पार्ट्स इसमें यूज किया गया है वो है फॉन्टेक का B250 का मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड में कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो मैं बता देता हूँ। 4+2 मतलब 6 USB पोर्ट 2.0 के, और 2+2 USB पोर्ट 3.0 के। NVMe का स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, कस्टमर का बजट नहीं है इसीलिए यहाँ पे SSD यूज किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे HDMI का भी ऑप्शन दिया हुआ है और VGA का भी ऑप्शन इस मदरबोर्ड पे दिया हुआ है, और ग्राफिक्स कार्ड लगाने का तो स्लॉट है ही, बाकी ये मदरबोर्ड 3 साल के वारंटी का साथ आता है। कोर्सियल का 2666 MHz का रैम कोर्सियल ब्रांड के तरफ से आता है, ये भी आपको 5 साल वारंटी के साथ ये रैम मिल जाएंगे। फिर जो प्रोडक्ट यूज किया गया है वो है आपका फॉन्टेक का GT740 4GB DDR3 मॉडल का ग्राफिक्स कार्ड, और ये भी बहुत अच्छा एक ग्राफिक्स कार्ड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरीके से है। असेंबली के टाइम पे आप ग्राफिक्स कार्ड देख पाएंगे, ये मैं जस्ट आपको डिटेल्स के लिए ये दिखा रहा हूँ। बाकी इसमें SMPS जो यूज किया गया है JMPS920, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही पावरफुल SMPS, 3 साल के वारंटी के साथ ये SMPS आता है। SSD के तौर पे यहाँ पे पुंटा 256 GB SSD यूज किया गया है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पुंटा ब्रांड की तरफ से आता है, और इसमें भी 3 वर्ष वारंटी दिया हुआ है। और हार्ड डिस्क में यहाँ पे यूज किया गया है सीगेट का 7200 RPM का 2 TB का हार्ड डिस्क, ये भी बहुत अच्छा हार्ड डिस्क है,
इसमें भी वारंटी आ, और ये जो टोटल अभी पार्ट्स है इसी के साथ इस पीसी का कॉस्टिंग अभी जो आ रहा है 28,400 रुपीज़। अभी एक एक करके हम लोग असेंबली करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए असेंबली जो है फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग दिखाएंगे थोड़ा, और उसके बाद इसका मैनुअल बायोस सेटिंग होगा, सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किया जाएगा, डेटा वगैरह जो भी बात हुआ है वो सब कुछ हम लोग डालेंगे, मैनुअल बायोस सेटिंग करेंगे। एक एल्बम डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग पीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैनुअल बायोस सेटिंग, उस मैनुअल बायोस सेटिंग को कंप्लीट करेंगे, कस्टमर को वीडियो कॉल पे लेके पीसी एक बार दिखाएंगे उनको कैसा लगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा मैं बात बोलना भूल ही गया, इसमें जो कैबिनेट यूज किया गया है गैलेक्सी का रेवोल्यूशन 5 मॉडल का कैबिनेट, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लुक्स के साथ आता है, आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इस कैबिनेट का आज के डेट का प्राइस आप अमेजन फ्लिपकार्ट सर्च कर लीजिए, अप्रोक्स 4,400 के आसपास आपको ये प्राइस दिखाएगा, मतलब आप समझ ही सकते हैं सिर्फ 4,000 के ऊपर सिर्फ कैबिनेट ही इसमें यूज किया गया है। और अभी हम लोग पूरी पीसी बिल्ड कर लेते हैं, और इस पीसी का ट्रैकिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन पे अभी दिया हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं ये पीसी कहाँ पे जाके डिलीवर हो रहा है। साथ अगर आपको भी ऐसा एक कंप्यूटर बनाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए स्टूडियो लाइन इंडिया के नंबर से, डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए स्टूडियो लाइन इंडिया के नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पीसी बनाना, मतलब ईएमआई अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट करके हमसे पीसी बना सकते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता है। तो जल्दी जल्दी में ये पूरी पीसी पहले असेंबली करते हैं, फिर दोबारा स्क्रीन पे आके कस्टमर को वीडियो कॉल पे लेके ये पीसी एक बार दिखाते हैं। तो पीसी जो है यहाँ पे असेंबली कंप्लीट हो चुकी है, सामने से लुक्स कुछ इस तरीके का है, और साइड से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन इन क्लियर करके वायरिंग किया गया है, पीछे भी यहाँ पे आरजीबी फैन, और ये जो कैबिनेट है गैलेक्सी रेवोल्यूशन 5 है, और इसमें टोटल 4 आरजीबी फैन आता है, सामने पे 3 और पीछे 1, ठीक है। और ऊपर में इसका डस्ट फिल्टर भी है, यहाँ पे इसका डस्ट फिल्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और सामने पे जो है USB 3.0 का सॉकेट है, 2.0 का डुओ है, पावर स्विच रिस्टर जो जो नॉर्मली रहते हैं, और ये बहुत ही हड्डी कैबिनेट बोल सकते हैं, मतलब इतना मजबूत है इसका बॉडी, इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। अगर किसी को भी कोई भी पीसी अगर आप ऑनलाइन एसेट मंगवा के बना रहे हैं तो रेवोल्यूशन 5 या 6 बहुत अच्छा कैबिनेट हो सकता है आपके लिए। और नीचे भी इसका डस्ट फिल्टर है SMPS के, मतलब नीचे SMPS को क्लीन रखने के लिए, और साइड से वायरिंग वगैरह कुछ इस तरीके का लग रहा है। अभी जिनका पीसी है उनको थोड़ा वीडियो कॉल पे लेते हैं और उनको थोड़ा वीडियो कॉल के थ्रू पीसी को दिखाते हैं, उनको कैसा लग रहा है उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं ये चीज़। हेलो, नमस्ते।
नमस्कार सर। नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बताइए। जैसे कि मैं जो आपको तो पता ही है, हर एक पीसी बिल्ड का हम लोग वीडियो बनाते हैं और वो यूट्यूब पे भी पब्लिक होता है, ठीक है सर। सो मेरे व्यूअर्स को पता चल सके, आपका नाम पहले ये बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजानन भैया सर। ओके, कहाँ से हैं? ओडिशा से, बलांगी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं सर। ओके ओके ओके, फिलहाल आप काम क्या करते हैं? फोटोग्राफी ना? स्टूडियो है सर, फोटोग्राफी काम। ओके ओके, अभी इस पीसी से आपको करना क्या है पहले ये बता दीजिए थोड़ा। एल्बम डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग, जैसे कि आपने हमें बताया था। एल्बम डिजाइन और वीडियो एडिटिंग थोड़ा। ओके ओके ओके, और इस पीसी का जो हम लोगों के बीच बजट की बात हुई थी 28,400 रुपीज, राइट? ठीक है सर। यस yes. क्योंकि ये व्यूअर्स को लग सकता है भाई वीडियो में एक चीज बताता है या देता कुछ और एक, इस चीज को कंफर्म करने के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। अभी थोड़ा आप पीसी का लुक्स देख लीजिए। मैं लुक्स के बारे में, जैसे कि जो कैबिनेट बोला था वही कैबिनेट मिला है ना? हाँ सर, जो कैबिनेट बोला था वही कैबिनेट। ओके, सामने ये तीन आपका ए आरजीबी फैन है, पीछे एक आरजीबी फैन है, और अंदर की अगर पार्ट्स की बात किया जाए, इंटेल का i5 6th generation है, 16 GB रैम है कुर्सियल का, और जैसे कि यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है 600 वाट के ऊपर, मतलब ये 650 वाट बोलते हैं बट 600 वाट का है, और यहाँ पे आपका 4 GB ग्राफिक्स का लगा हुआ है 730 का, ठीक है? ओके okay. और ये पूरा कुछ इस तरीके का हुआ है असेंबली, और सारे सॉफ्टवेयर जो आपने बोला था सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी इसको हम लोग जो है रैपिंग करेंगे, रैपिंग करने के बाद इसको कुरियर कर देंगे, और कुरियर करने के बाद ट्रैकिंग आईडी आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे। अभी आप और एक बार पीसी को अच्छे तरीके से देख लीजिए और अपने हिसाब से बताइए आपको पीसी कैसा लगा, या आपने जो हमसे पीसी बनाया है इसमें कुछ झोल झाल लगा, ऐसा कुछ पेमेंट कर दिया उसके बाद कॉल रिसीव नहीं हुआ, या पेमेंट के बाद सही टाइम पे मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सर, वो फोटो में जो कैबिनेट दिखा था पूरा सेम टू सेम है सर। और जो जो पार्ट्स की हमारे बीच बात हुआ था, जो जो पार्ट्स बात हुई थी वो सारे पार्ट्स है ना, 16 GB रैम। ओके, एक चीज तो भूल ही गया, यहाँ पे 2 TB हार्ड डिस्क नीचे लगा हुआ है, वो दिखेगा नहीं, सीगेट का 7200 RPM का 2 TB का हार्ड डिस्क एंड 256 GB SSD। ये इस वाले जब ढक्कन को आप खोलेंगे, मैं यहाँ पे अभी वीडियो पे खुल नहीं पाऊंगा, लेट हो जाएगा, सो वो आप देख पाएंगे, और सारा कुछ GST बिल के साथ ये पीसी आपको कुरियर किया जाएगा। बस इतना बता दीजिए, आप पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लगा था भाई पेमेंट कर दिया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या मिलेगा, ऐसा कुछ डाउट था क्या आपके मन में? नहीं सर, मैंने तो आपका यूट्यूब में और वीडियो देखा था, और आपके पास एल्बम डिजाइन का लिया था, ऐसे तो कुछ डाउट नहीं था मेरे मन में। आप पेमेंट करने के बाद भी आप बहुत अच्छे सर्विस देते हैं सर। ओके, और इतना और एक बार बता दीजिए, ये पीसी के लिए पेमेंट आप कब किए थे? आज 2-3 बजे करीब सर। ओके, तो आज ही सुबह आपने पेमेंट किया था और आज आपका पूरा पीसी बनके तैयार कल जाने के लिए रेडी हो गया। सो मेरे भी व्यूअर्स को मैं बताऊंगा, हमारे बनाए हुए पीसी में लगभग लगभग एक दिन के अंदर आपको कुरियर किया जाता है। अभी कुरियर टाइमिंग आपके एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। और भाई साहब यहाँ पे डस्ट फिल्टर है, ये दिखाना भूल गया था, ऊपर यहाँ पे आपको डस्ट फिल्टर है और नीचे एक डस्ट फिल्टर है, जिससे कि आपकी कैबिनेट धूल वगैरह से बचे रहे। पूरा पीसी असेंबली कंप्लीट। आई होप आपको ये पीसी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज, और एक बार एक रिक्वेस्ट है, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं अपने हर एक पीसी बिल्ड पे बताता हूँ। ये देखिए, पीसी आपने बना लिया, ये पीसी आपने बनाया, अभी ये पीसी मेरे पास है, आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था उसके हिसाब से ये बिल्ड हुआ है। अभी पीसी आपके पास जाएगा, आप अच्छे तरीके से यूज कीजिए पीसी का, मतलब स्पीड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, एज ए बजट जो आपका बजट है, ये पीसी 17,800 में बन सकता था ना? बस आपने एक्स्ट्रा चीज ऐड करके इसका प्राइस जो है बढ़ाया है। सो ये पीसी का स्पीड कैसा है, जरूर आप एक बार ये वीडियो जो पोस्ट होगा यूट्यूब में उसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे कि दूसरे व्यूअर्स को ये चीज पता चल सके, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट्स रहता है भाई ये पीसी बना के दे दिया स्पीड कैसा है क्या नहीं है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं उस कमेंट को पिन अप कर पाऊं और लोगों को पता चल सके हमारे बनाए हुए इस पीसी में स्पीड कैसा होता है और बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक लोएस्ट बजट पीसी है। 17,800 आज के डेट पे कोई प्राइस ही नहीं, क्योंकि 17,800 में एक मोबाइल बन नहीं पाता है, और हम लोगों ने यहाँ पे फुल एज कंप्यूटर बना दिया है। सभी प्रोडक्ट्स में GST बिल मिलेगा, लगभग सारे प्रोडक्ट में 4-5 प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 साल के ऊपर वारंटी है, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 1 साल का GST बिल के साथ ये आपको कुरियर किया जा रहा है, और कुरियर का ट्रैकिंग आईडी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।
ठीक है सर, थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए, बहुत धन्यवाद। सो आपने भी देख लिया गजानन जी ने क्या बताया इस पीसी के बारे में, हमारे अंदर हुई बातचीत के बारे में। हम हर एक वीडियो पे बताते हैं, हम कोई झोल झाल पे नहीं रहते हैं। आप डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, हम आपको पीसी बना के कुरियर करेंगे, सेम डे में हम ट्राई करते हैं। बट जैसे कि आपने देखा, उन्होंने लगभग 2:30 बजे पेमेंट किया। सो इतना टाइम तो लग ही जाता है पीसी को असेंबली करके, उसकी फॉर्मेटिंग, मैनुअल, बायस सेटिंग, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करके तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ साथ वीडियो भी तो रिकॉर्ड करना पड़ता है आप ही लोगों के लिए। सो वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट करना, हो सके तो अपने फोटोग्राफर दोस्तों के साथ शेयर करना। और गजानन जी के जैसे अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे एक कंप्यूटर बनाना, सो जरूर स्टूडियो लाइन इंडिया के टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। वीडियो में स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। और किसी को अगर मेरे ऑफिस में आके पीसी बिल्ड करना होगा, सो डायरेक्ट गूगल या गूगल मैप पे जाइए, स्टूडियो लाइन इंडिया सर्च कीजिए, आपको हमारी ऑफिस एड्रेस फुल्ली क्लियर से दिख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आके पीसी बनाना चाहते हैं तो जरूर आ जाइए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आने से पहले एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साल में हो सके एक ऐसे टाइम पे ये वीडियो आप देख रहे हैं और उसके बाद आप आने के लिए सोच रहे हैं, और उस टाइम पे हो सके मैं इंडिया के किसी भी एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन में जा चुका हूँ। सो आने से पहले एक बार जरूर कॉल कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, किसी को कॉन्टैक्ट करना है सो जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और इस पीसी के बारे में कुछ ना कुछ आपको कॉमेंट करके लिखना है, अच्छा लगा, बुरा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट में भी मैंने बताया था ये पीसी 17,800 में भी बन सकता था, गजानन जी ने भी ये चीज आपको बताया, बट उन्होंने कुछ चेंजेस करके इस पीसी का बजट लगभग 28,400 में डन करवाया है। चलिए उनको ये पूरी पीसी जो है सील पैक करते हैं और उसके बाद उनको कुरियर करते हैं। ट्रैकिंग आईडी वीडियो के स्क्रीन पे एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा, जिनको ट्रैक करके देखना है ट्रैक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।